अच्छा खासा मौका था प्लेऑफ में जाने का, लेकिन वो भी गवा दिया। भाई उनके पास मिश्रा जी और शर्मा जी दोनों है ना, हमारे पास तो दोनों भी नहीं है। भाई लोगों की उम्मीद जगा कर उनकी उम्मीदों पे पानी फेरना अच्छा नहीं है। ये क्यों बोला भाई, और किसको बोला? मैं तो बस अपनी लाइन बोल रहा था रे, इसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं, और आरसीबी का प्लेऑफ में जाने का कोई रास्ता नहीं। कैसे जाओगे प्लेऑफ में, कैसे जाओगे? 40 रन देते हो और एक ही विकेट लेते हो, कैसे जाओगे? भाई 39 रन दिए मैंने और एक विकेट ली, वो तो भाई मैंने कैच पकड़ी इसलिए विकेट मिली, वो भी नहीं मिलती वरना। सब मुझे ही क्यों बोलते हो भाई, उस चाल को भी कुछ बोलो, उसने 40 रन दिए। मैंने 40 रन पिटवाए ये मानता हूँ मैं, लेकिन मैंने 2 विकेट लिए। हाँ तो बड़ा तीर मारा ना भाई, हमारे नैया तो डूबे ने दुबई भाई, क्योंकि जिस मैच में भी हमने उसे खिलाया ना, उस मैच में हम ही डूब गए भाई। तेरा कहने का मतलब यह है कि शिवम दुबे ने हमें डुबाया? हमें तो बॉलर्स ने डुबाया, बल्लेबाजों में तो बहुत दम था। हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जिस कश्ती पे शिवम दुबे बैठा था। मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे ने हमें डुबाया, हमने उसका सही व्यापार नहीं किया। हमारे पास वॉशिंगटन जैसे सुंदर सुंदर खिलाड़ी है, फिर भी हम प्लेऑफ में नहीं जा सके। लेकिन हमारे पास उमेश और सिराज जैसे ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी भी है ना। देखो भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? इसमें सारी गलती हमारे लाल कलर की है, ठीक है? ऐसा क्या गलत है लाल कलर में? ये लाल कलर इश्क का कलर है, और इश्क में सबको धोखा मिलता है, जैसे हमारे फैंस को हमेशा धोखा मिलता है। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे बहुत इश्क लड़ा है लाल कलर में तूने। भाई उमेश ने सही बोला, सारा खेल कलर का है, कलर बदल दो आरसीबी की किस्मत बदल जाएगी। और मैं तो कहता हूँ नाम भी बदल दो। लाल कलर पहन के तुझे लोग लालू यादव कहते हैं क्या? लोग मुझे लाल कलर में उमेश यादव नहीं बोलते, लालू यादव बोलते। जैसे डीडी का डीसी हो गया, वैसे हम भी आरसीबी का कुछ दूसरा करेगा। लेकिन मैं श्रद्धा पे विश्वास करता हूँ, अंधश्रद्धा पे नहीं। लेकिन श्रद्धा तो माल्या की बेटी है ना। क्या बात करता है, माल्या को बेटी है? अरे यार पॉइंट से मत भटको, नाम चेंज करो। क्या रखे नाम, आप लोग ही बताओ। भाई मेरे हिसाब से बेंगलोर के धुरंधर नाम कैसा रहेगा? गली क्रिकेट नहीं खेल रहे हम। भाई एकदम धासु नाम बताओ क्या, बेंगलोर डेयर डेविल्स कैसा रहेगा? अब तू पिछले साल का दिल्ली का नाम हमें दे दे। अरे भाई कितना धासु नाम है। ए चहल भाई, तूने कुछ डिसाइड किया है क्या, बता। भाई जनता डिसाइड करेंगे ना, हम क्यों करेंगे। तो तू क्या कर रहा? मैं तो नोस्ट्रा प्रो ऐप में आज के मैच का प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। किस टीम के ऊपर लगा रहा है प्रेडिक्शन? मुझे लगता है हैदराबाद जीतेगी, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला तो मैं पैसे कमा लूंगा। लेकिन साइना बोला 100 रुपए मुझे दे देना, मुझे मेरे बाइक में तेल डालना। हाँ भाई रख लो, आप भी क्या याद रखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सिर्फ मेरी ही नहीं सबकी बसंती नाच रही है, वो भी बिना चप्पल के। हाँ भाई मैंने हाफ सेंचुरी मारी, आज मेरे पापा मेरे ऊपर कितना गर्व करेंगे। बेटा मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही तू आगे बढ़ते रहे, बस मेरे आशा को निराशा में मत बदल, प्लेऑफ में हार कर। क्योंकि अब हम डीडी से डीसी हो गए, और अब हम मार्वल को भी टक्कर दे रहे हैं। भाई लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। हाँ सही कहा भाई, जैसे विजय नाम वालों को बहुत विजय मिल रही है आजकल, ऐसे ही डेली एपिसोड देखने के लिए स्पूफ ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और क्रिकेट का प्रेडिक्शन लगा के पैसे कमाना है तो नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए।